मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू के पक्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव बरलई में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बरलई में सायं 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे भूपेंद्र भाई पटेल ने बरलई में पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए क्या कहा बीजेपी प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू ने व गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। निश्चित रूप से हमारा भी लक्ष्य यही है कि जिस तरह से गुजरात आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन उसको छूना है हमें भी। हम भी गुजरात के बराबर जाकर खड़े हों, ये लक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। मैं आपके बीच में एक बार फिर प्रत्याशी बनकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बार फिर आपके सामने मुझे भेजा है। मेरे कामों को देखकर, मेरी परफॉर्मेंस को देखकर, मैं अधिक कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा कि समय की बहुत कमी है और हमें सुनना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, गुजरात के पटेल साहब को। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि मैंने जो काम किए हैं पिछले 5 साल में, 1.25 साल कांग्रेस की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, झूठ बोलकर वो सरकार आई थी और हमारी जनहित की योजनाएं बंद करके गई थी। फिर मुख्यमंत्री भाजपा के बने शिवराज सिंह जी चौहान साहब, तो कोरोना आ गया, 2 साल उसमें चले गए, 1.5 साल काम करने का अवसर मिला और 1.5 साल में, 1.5 साल में इस तहसील के लिए 4,000 करोड़ की योजनाएं मैं लेकर आया हूं, जो लिख के जनता को प्रस्तुत किया मैंने। अपने काम का लेखा जोखा 4,000 करोड़ का इस किताब में दिया है, जिसमें हर योजना का और हर पंचायत का ब्यौरा है। पहला विधायक हूं जिसने इतना बड़ा दस्तावेज जनता को प्रस्तुत किया है। मान लो आपकी 1.5 साल काम करने का मिला, 4,000 करोड़ लाया, अगर 5 साल मिलते तो कितने होते। और जो वो लड़ने आए वहां से मंदसौर से, उनने तो 15 साल मनासा पर राज किया, इतना काम करना था, कोई उनकी उपलब्धि नहीं। ये समझने की बात है, जिसको मंदसौर ने रिजेक्ट कर दिया, पहले मनासा ने रिजेक्ट किया, फिर अगर आपके पास आए, आपको समझना पड़ेगा कि इनकी नीयत क्या है। क्योंकि घास यहाँ की खाते हैं, दूध यहाँ का पीते हैं, मंदसौर में जाके दूध देते हैं, इसलिए यहाँ से मंत्री विधायक रहे, उद्योग मंत्री रहे, एक उद्योग भी यहाँ खोला हो तो ये बता दें कि मेरी ये उपलब्धि है। इनने कॉलेज भी खोला तो मंदसौर जाके सरकारी जमीनों पर वहां अतिक्रमण किया, ये सब आपके ध्यान में है। इसलिए जो भी फैसला करो, कल कमलनाथ जी ने कह दिया इन बहनों के लिए कि लाडली बहना योजना बंद कर दूंगा। बहने चाहती है कि 1,250 से 3,000 तक जाए, ये योजना बंद कर दें। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनानी है तो आपकी योजना भी चालू रहेगी, नहीं तो जैसे अंत्येष्टि का पैसा तक बंद कर दिया था, 5,000 लकड़ी का पैसा भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, आपकी योजना कल से ही बंद हो जाएगी। हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो हर हमेश सरकारी जो भी योजना बने तो योजना गरीब मध्यम वर्ग को केंद्र में रख के सभी सरकारी योजना बनाई। ऐसा नेतृत्व आज माननीय नरेंद्र भाई बड़ा प्रधान के रूप में हमारे पास है और उसके नेतृत्व के कारण आज सारी दुनिया भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है और माननीय नरेंद्र भाई भी सारी दुनिया को एक परिवार भाव से अभी G20 का जो समापन किया तो G20 का भी हमारा इसमें भी हमने जो थीम रखी थी वो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया हमारा परिवार है और परिवार भाव से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी
बहुत ही भाव के साथ मध्य प्रदेश का विकास भी कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका सोच करके आज आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अच्छा विकास हुआ है, चल रहा है, तो आज थोड़ा जल्दी में है, लेकिन आपको ये डबल इंजन सरकार के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें कार्य मंत्र दिया है सुशासन का, जन सेवा का, और इसीलिए हम जो वादे करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। जिन योजना का शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। आजादी के अमृत काल को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास का भी अमृत काल बनाए, विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाए। आपका एक एक मत मध्य प्रदेश और भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के वाला है। आओ आप आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाकर 2024 में फिर से आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की नींव रखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।